बारिश का आलम कुछ ऐसा है, पूरा भरा हुआ है पानी रोड पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और दोस्तों काफ़ी दिन हो गए मेरे को, मैंने वीडियो डाल नहीं पाया। मैं दिल्ली में था और ITR की लास्ट डेट वगैरह चल रही थी, इस वजह से टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा। अभी मैं आज जा रहा हूँ वापस अपने गांव किसी फंक्शन में, तो ये देख सकते हो हिसार के आसपास हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जैसे गाड़ी की अगर हम खिड़की खोल दें, यानी कि ये वाले शीशे अगर खोल देते हैं तो गाड़ी माइलेज अच्छी देगी। मान लीजिए AC बंद कर देते हैं और ये वाले शीशे अगर खोल दें तो माइलेज अच्छी निकाल के देगी। तो मैं इसका आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो, ये गाड़ी है इग्निस और इसमें आपको मीटर में इतना ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लर हो जाता है फोन थोड़ी थोड़ी देर बाद में। तो अभी देख सकते हो माइलेज आ रही है इसकी 20 प्लस और गाड़ी चल रही है 80 के आसपास। और अभी मैंने AC जो है वो बंद कर रखा है यहाँ पे, और जैसे मैं शीशे खोल दूंगा तो आप इफेक्ट देखना यहाँ पे, ये वाली लाइन जो है वो अचानक से नीचे जाएगी, यानी कि माइलेज जो है वो कम निकालना स्टार्ट कर देगी। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो हवा का प्रेशर होता है, ये देखो आप, इतनी तेज जो हवा आती है इसका प्रेशर, ये गाड़ी के अंदर घुसती है हवा और इसको निकलने का रास्ता मिलता नहीं, तो ये हवा का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से भी माइलेज नहीं निकलती। तो अगर 80 के आसपास 70-80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, अगर आप शीशे खोल के चलाते हो और अगर आपको लगता है कि माइलेज अच्छी निकाल के देगी, AC बंद कर लेते हो और शीशे खोल लेते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप AC ही चला लो, जिससे कि क्या होगा कि एक तो गाड़ी में डस्ट वगैरह नहीं आती, गंदगी वगैरह यहाँ पे जो है वो आ जाती है हवा के साथ में, और दूसरा एक शोर शराबा नहीं होगा, क्योंकि जब शीशे खोल देते हैं तो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन होता है, हिल के चलती है पूरी की पूरी गाड़ी, तो वो चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर 50-60 की स्पीड में चल रहे हो, 40-50-60 के आसपास आराम से चल रहे हो कि हवा का प्रेशर ज़्यादा ना हो, उस टाइम में क्या हो सकता है कि शीशे खोल के भी चलाया जा सकता है, उस टाइम पे फर्क पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे AC चलाते हो तब माइलेज कम निकलेगी, और उस टाइम अगर शीशे खोल देते हो तो बाहर की एयर आती रहेगी। देखो बरसात भी हल्की हल्की स्टार्ट जो है वो हो चुकी है, तो काफ़ी प्यारा मौसम हो गया है। और ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में इस बार बारिश काफ़ी कम हुई है, और मैं दिल्ली से चला था उस टाइम थी दोस्तों धूप, ये देखो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं अच्छे से। और अभी यहाँ से लगभग मैं 70-80 किलोमीटर के आसपास और जाऊंगा अपने गाँव में, तो वहाँ तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्योंकि रास्ते में कई बार क्या होता है धूप भी निकल आती है, बरसात भी स्टार्ट हो जाती है, तेज़ बरसात भी हो जाती है। और इस गाड़ी के वाइपर में दिक्कत आई है, देखो इस प्रकार से ये छोड़ देता है, थोड़े थोड़े डॉट्स वगैरह छोड़ देता है। ये देखो यहाँ पे आ रही आंधी, यहाँ बरसात है ही नहीं, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी बार ट्राई भी करी थी सही करवाने के, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। ये मैंने ब्लेड वगैरह चेंज करवा ली सारी, बावजूद इसके भी ये ठीक हो भी नहीं पा रहा ढंग से, क्योंकि इससे दिक्कत बहुत होती है। अभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि दिन का समय है, लेकिन जैसे ही नाइट में जब गाड़ी चलानी पड़ती है तो ये चीज़ें फिर दिखाई नहीं देता सामने। अब भी आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है यहाँ पे, एक आवाज़ आती है इससे, ये देखो इस प्रकार की आवाज़ आती रहेगी, और इसके साथ ही दिखता भी नहीं है, ये डॉट वगैरह छोड़ देता है, तो हाथ से ही साफ करना पड़ता है फाइनली फिर इसको। तो ये दोस्तों चौथा टोल है, मतलब दिल्ली से जब चलते हैं 4 और इसके बाद एक और आएगा 5 और एक 6 टोल आते हैं टोटल गाँव तक। लेकिन हाँ ये है कि रोड साफ है, कोई भी दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ माइलेज कितनी निकाली है इसने, ये देखो 18.9, लगभग 18 के आसपास की एवरेज निकाल देगी। अभी मैं थोड़ी आराम से चला रहा हूँ, इस वजह से इतनी निकाली है, अगर जैसे 90-100 चलाएंगे तो कम भी हो जाती है ये। तो ये टोल आ गया जी, और इस पर भी फास्ट टैग से ही कटते हैं सारे के सारे। एक टोल आएगा जो कि मैनुअल है, तो देखता हूँ कौन सा खाली है। इस वाली टोल लाइन में टेम्पो लगा रखा है, इस वजह से वापस जाना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब स्पीड, ये भी जिनके पास फास्ट टैग होता नहीं वो भी अगर उसमें घुसेड़ देंगे तो फिर ये
भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ कि फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हो गया और इनकी एक प्रकार से गुंडागर्दी कह सकते हैं ये फास्टैग वालों की। इनकी एक प्रकार से गुंडागर्दी है कि ये डबल चार्ज करते हैं, और जब मैंने इनको कहा कि मैं रिचार्ज कर लेता हूँ तो दिक्कत पता है क्या बोल रहा है कि 20-25 मिनट लगेंगे इसको अपडेट होने में, जबकि ऐसा होता नहीं है, 5-4 मिनट में अपडेट हो जाता है। 5-4 मिनट क्या हाथों हाथ ही अपडेट हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं ना तो आगे जाने दूंगा और अगर पीछे करवाऊंगा तो 25 मिनट के बाद ही यहाँ पे गाड़ी को लेके आना। तो ये गुंडागर्दी टाइप है, मतलब ना तो इनको बोलने की तमीज़ होती ज़्यादातर लोगों को, और हम पैसा भी पे करते हैं लेकिन इस चीज़ का पे नहीं करते कि इनको तमीज़ ही ना बोलने की, ना तो इनको बोलने की तमीज़ होती है और ना ये सही बात बताते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा किया जा सकता था कि गाड़ी को ये आगे निकलवा देता, आईडी वगैरह रख लेता और उसके बाद रिचार्ज कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, और ये ब्लैक लिस्ट पता नहीं हुआ कैसे। मैं रिचार्ज करके ही चला था, पता नहीं सिग्नल की प्रॉब्लम है कुछ और हो गया। ये देखो आधी जगह पे आंधी चल रही है और कहीं बरसात के झरोंके भी आ रहे हैं साथ साथ में, तो ये सीन हो जाता है दोस्तों। एक बार मैं यहाँ से गाड़ी लेके दिल्ली से गया था और उस पर फास्टैग नहीं था, तो वो डीजल वाली थी स्विफ्ट डीजल, तो जितना उसने तेल जलाया था उससे ज़्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना ही फास्टैग भी उस पर लग गया था, मतलब डबल डबल चार्ज करते हैं। तो ये तो देखा जाए तो नाइंसाफी है पैसे के साथ, कि अगर पैसा कोई दे रहा है तो फिर फास्टैग मतलब ये क्या ज़बरदस्ती हुई, इसका मतलब ये हुआ ना कि पैसे की वैल्यू नहीं मानी जा रही इतनी, जो भी सिस्टम है सही नहीं है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।